का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, हर छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ मैं हूँ प्रेम भारती। बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं थाना रेवसा क्षेत्र की, यहाँ पर एक बच्ची को लाया गया है गंभीर अवस्था में और बच्ची की हालत उस वक्त बिगड़ी जब वो नित्य क्रिया के लिए गई हुई थी और धान के ब्याड़ में लगाया जा रहा पानी और ट्यूबवेल की चपेट में आ गई। वहीं पर हालत बिगड़ी गंभीर अवस्था में रेवसा लाया गया जहां पर डॉक्टर नरेश चौधरी के द्वारा देखा गया। आइए पूरी खबर मिलाते हैं, डॉक्टर क्या बोले और परिजन क्या बोले। डॉक्टर नरेश चौधरी पूरी तरीके से समझाते हुए एम्बुलेंस कर्मचारियों को कि बोतल खत्म हो जाए तो दूसरी बोतल लगा देना। डॉक्टर नरेश चौधरी बार बार समझाते मरीज को, साथियों और एम्बुलेंस कर्मचारियों को पैरासीटामोल लगाओ पहले, इनके फीवर भी तस्वीरें स्पष्ट करती हैं कि एक बड़ी घटना है। बड़ी घटना क्या है, थाना रेवसा क्षेत्र की है जहां पर एक बच्ची 7 वर्षीय पुत्र पुत्री मलखे एक ट्यूबवेल की पुली में चपेट में आ जाने से गंभीर रूप से हालत बिगड़ी और यहां रेवसा से सी लाया गया उसके परिजनों के द्वारा, जहां पर प्राथमिक उपचार जारी है। और आपको बता दें कि मामला रेवसा से सी में इलाज जारी है, थाना रेवसा क्षेत्र का मामला है। आप देख रहे हैं काफ़ी गंभीर अवस्था में है और एक नज़र दिखाते हैं। परिजन काफ़ी परेशान हैं हालत गंभीर देखते हुए। मामला शिवपुरी के मजरा लंघनिया गांव का है। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, हर छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ मैं हूं प्रेम वाजपेयी, टूटी फूटी आवाज़ में। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस वक्त मैं जो तस्वीरें अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूं लाइव कवरेज के साथ और रेवसा शेषी की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि प्राथमिक उपचार जारी है और यहां पर एक बच्ची का इलाज होते नजर आ रहा। मामला बता दें कि उस बच्ची अचानक एक ट्यूबवेल की चपेट में आ गई, घर के ही ट्यूबवेल में। खेत में कृषि के लिए कार्य किया जा रहा था ट्यूबवेल से सिंचाई का और तभी वो अपने आप उसकी चपेट में आ जाने से गंभीर हालत में उसको रेवसा स्ट्रेचर लाया गया जहां पर पूरा इलाज उसका जारी है और डॉक्टरों ने देखा है। और यहां के प्राथमिक में जो जुटे हुए हर्ष और ज्ञान तमाम लोगों ने उसकी प्राथमिक उपचार किया और काफ़ी गंभीर अवस्था अभी भी बनी हुई है। हम पूरी बात करते हैं, रूबरू कराते हैं घर वालों के परिजनों से उस बच्ची के, कहाँ का मामला है, किस थाने का है, क्या उम्र है बच्ची की। काफ़ी चिंतित हैं परिवार, आप देख रहे हैं। हम बात करते हैं लड़की जख्मी गंभीर हालत में बच्ची की पिता से। क्या नाम है आपका? मलखे। मलखे लोध। अच्छा, कहाँ घर है? लंघनिया। थाना कौन लगता है? रेवसा। अच्छा, ये बच्ची का क्या नाम है? का नाम तो काजल, काजल कहाँ हैं? अच्छा, काजल उर्फ सोनी। काजल उर्फ सोनी। अच्छा अच्छा, क्या उम्र होगी उसकी? 7 साल। अच्छा, ये कैसे जख्मी हुई, कैसे चोटिल हुई? इंजन पर कहीं गई रहे। अच्छा, इंजन अपने परिवार का ही था? परिवार गांव के रहा। अच्छा, तो ये क्या करने गई थी? पता नहीं यार, कहाँ करा गया, पानी पी गए हैं। अच्छा अच्छा, डॉक्टर ने देखा है? डॉक्टर देखिन। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये गांव का इंजन था और वहां पर इनके पिताजी ने बताया और अचानक वो पहुंची और अनजान में वो चपेट में आ गई। अब बात करते हैं यहां के डॉक्टर से। बात करते हैं, यहां पर डॉक्टर नरेश चौधरी उपस्थित हैं अपनी ड्यूटी पर अनवरित, जो देखे जा रहे हैं। बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, एक लड़की एक ट्यूबवेल की चपेट में आई है और उसको यहाँ रेवसा स्टेशन लाया गया है उसके परिजनों के द्वारा, उसके हालात कैसे हैं, क्या नाम है, क्या हुआ? ठीक नहीं है, उसको पीछे चेस्ट में इंजरी है, पूरा हड्डी निकला हुआ है, जो ट्यूबवेल होता है उसी की पट्टी में शायद फंस गई है। पट्टे में फंस गई है और पीछे इसके पैर में चोट है, इसकी पूरा मांस हट गया है। हालत कैसी है? हालत अच्छी नहीं है, तो हम वो अभी मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए बात कर रहे हैं, टाउन सेंटर के लिए डायरेक्टली। अच्छा अच्छा, बच्ची का क्या नाम है? बच्ची का नाम है सोनी देवी। और उम्र क्या होगी? ये लगभग 7 साल। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम मलखे नाम है। गाँव कौन सा है? शिवपुर। शिवपुर लंघनिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हालात डॉक्टर के मुताबिक गंभीर हैं, ठीक नहीं है, लेकिन उसको प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टर के द्वारा, नरेश चौधरी के द्वारा रेफर किया गया है एम्बुलेंस की मदद से। अपनी बाइक से लेके आए थे परिजन? हाँ,